हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वो है क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है? इससे पिछली वाली क्लास में आपने पैकिंग इफिशियंसी निकाली थी पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब क्या होता था कि किसी भी बॉक्स में या किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में कैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितनी जगह घेर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते थे? पैकिंग इफिशियंसी। अब क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में आप किस तरीके से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आप अरेंज कर रहे हो, उसे क्या बोलते हैं? पैकिंग। और किस तरीके से आप ढंग से एकदम पास पास उनको अरेंज कर रहे हो, उसे बोलते हैं क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब, सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में कैसे आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आपस में एकदम पास पास अरेंज कर रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोज पैकिंग। अब क्लोज पैकिंग जो है वो वन डायमेंशनल भी हो सकती है, मतलब सीधी एक लाइन में भी हो सकती है, ठीक है, टू डायमेंशन भी हो सकती है और थ्री डायमेंशन भी हो सकती है, मतलब एक्स एक्सिस पे भी हो सकती है, वाई एक्सिस पे भी हो सकती है और जेड एक्सिस पे भी हो सकती है। इसके क्लोज पैकिंग के टाइप भी कितने होते हैं? थ्री टाइप होते हैं, जिसको कि हम डिस्कस करेंगे। तो आई बात समझ में आपको कि क्लोज पैकिंग हम स्टार्ट करेंगे, इसके तीन पार्ट है मेनली, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। होती है वो तीन टाइप की होती है मेनली कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की। पहला टाइप होता है वन डी, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, वन डी। दूसरा टाइप होता है 2D और तीसरा टाइप होता है 3D। मतलब क्लोज पैकिंग 1D डायरेक्शन, यानी एक डायरेक्शन में भी हम कर सकते हैं, दो डायरेक्शन में भी हम कर सकते हैं और थ्री डायरेक्शन में भी हम कर सकते हैं क्लोज पैकिंग। देखो, अगर वन डायरेक्शन होगा तो कौन सी एक्सेस होगी, मतलब आपको पता है ना, एक्सेस ऐसा होता है, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस, पता ही होगा। तो 1D कौन से डायरेक्शन में होगी? एक्स एक्सेस या फिर वाई एक्सेस, ठीक है। 2D कौन से डायरेक्शन में होगी? एक्स और वाई डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर 3D की बात करें तो ये एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, 1D या तो एक्स डायरेक्शन में हो सकता है या वाई डायरेक्शन में हो सकता है, 2D या तो एक्स डायरेक्शन में या फिर वाई डायरेक्शन में या फिर जेड डायरेक्शन में, या जेड डायरेक्शन में या फिर एक्स डायरेक्शन में हो सकता है। और 3D की बात करें तो ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं, इसमें वन डायरेक्शन स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? वन डायरेक्शन पैकिंग कैसी हो रही है? वन डायरेक्शन में पैकिंग हो रही है, ठीक है, पैकिंग हो रही है वन डायरेक्शन में। तो वन डायरेक्शन में हम कैसे पैकिंग कर सकते हैं? देखिए, आपको साथ ही साथ में स्क्रीन पर भी जो है डायग्राम दिख रहा होगा, ताकि आप और इजीली समझ पाए, क्योंकि देखिए 1D और 2D तक तो क्या पता आप समझ जाओगे, पर 3D लाइक ये बोर्ड नहीं है, तो इसलिए मैं आपको 3D जो स्ट्रक्चर है वो डायग्राम के थ्रू ही समझाऊंगी। देखिए, वन डायरेक्शन का मैंने ये बना दिया, ये क्या है? वन डायरेक्शन। कोई भी एक्सेस में हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये वन डायरेक्शन है। मतलब कि आप देखो कि अगर सपोज टू भी कोई बॉक्स है, हमने अगर वन डायरेक्शन में क्लोज पैकिंग करनी है तो इस तरीके से होगी, एक के ऊपर एक, किस पास? एक, दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, मतलब ये सटके जो है आपस में लगे हुए होंगे। बात समझ में आ रही है? वन डायरेक्शन में क्या होगा? वन डायरेक्शन में सिंपली आपको क्या करना है, एक के बाद जो है ये एटम्स या कंस्टेंट पार्टिकल्स लगा लेने हैं, ताकि जो है इसका
इफिशियंसी जो है पैकिंग इफिशियंसी अच्छी हो जाए। ये कब है? जब हम वन डायरेक्शन में, हमें कह दिया जाए कि आपको वन डायरेक्शन में ही पैकिंग निकालनी है, वन डायरेक्शन में ही क्रिस्टल लेटिस की पैकिंग करनी है, ठीक है। तो वन डायरेक्शन में हमारे पास सिर्फ यही तरीका है जिससे कि हम जो है क्रिस्टल लेटिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनको जचा सकते हैं, उनको पास पास जोड़ के रख सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये फिगर किसका है? 1D का, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज्ड, ठीक है। बात समझ में आ गई? दूसरा एक इसके अंदर ही मैं बात करूं, एक टर्म मैं आपको बता देती हूँ, आपको मैं इधर साइड में एक टर्म बताती हूँ, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के पड़ोस में कितने या उसको छूते हुए कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दोबारा समझाने की कोशिश करती हूँ कि सपोज टू भी आप खड़े हो एक जगह और आपके पास चिपक के जो है बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो आपको ये काउंट करना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको टच करते हुए खड़े हैं। अगर सपोज टू भी अगर मैं खड़ी हूँ, ठीक है, यहाँ पर इधर और इधर अगर कुछ लोग हैं, तो कितने लोग जो है मुझे छू कर खड़े हैं? तो टोटल यहाँ इस कंडीशन में 4 लोग खड़े हैं, तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4, ठीक है। अगर मैं बात करूं सपोज टू बी कि कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसके आसपास उसका पड़ोसी कौन सा एटम है, कौन सा कंस्टिट्यूएंट एटम उसे छू रहा है, कितने छू रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। उस संख्या को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। या फिर हम कहेंगे कि कितने नेबर है उसके आसपास, कितने नेबर है आसपास उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के आसपास, कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और जुड़े हुए हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो आपको समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इस पोजीशन पे मैं अगर इसकी बात करूं तो बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इसके अगर मैं इधर देखूं तो यहाँ पर इसने छू रखा है इसको और एक इसने छू रखा है, तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 2। क्या हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर? 2, ठीक है। बात समझ में आ गई? अगर मैं इसकी बात करूं, क्योंकि देखिए ये इनफाइनाइट है, मैं आगे और जोड़ सकती हूँ इसके, तो इसको हम लोग जनरल थ्योरी की बात करेंगे। मैं अगर इसकी बात करूं, ठीक है, तो कितने हैं? ये इसको छू रहा है, ये भी इसको छू रहा है, 2 ही हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब 2 कोऑर्डिनेशन नंबर। दोबारा मैं अगर इसकी बात करूं तो इसको ये वाला भी छू रहा है, ये वाला भी छू रहा है। देखो मैं आपको दोबारा ढंग से समझाती हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं पूछ रही हूँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो देखो एक तो इसको ये छू रहा है और इसको ये छू रहा है, छू रहा है, तो कितने एटम्स छू रहे हैं, कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स छू रहे हैं? 2। तो क्या हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर? 2। बात समझ में आई? अब आप ये मत कहने लगना कि मैम देखो इसका निकालो, इसका तो एक ही आएगा। नहीं भाई, आगे और भी बन सकते हैं, ठीक है ना, इसे नहीं कहेंगे हम, तो जनरल सी बात करेंगे इसकी। तो जनरल जो प्रॉपर्टी है, जनरल जो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है वन डायरेक्शन का, कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। बात आई समझ में? तो इस जो वन डायरेक्शन में है, अगर आपसे कोई भी कहे या कोई भी कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई क्लोज पैकिंग करनी है कैसे वन डायरेक्शन में, तो करिए। तो इसके अलावा हमारे पास वन डायरेक्शन में क्लोज पैकिंग करने का कोई भी रास्ता नहीं है, ठीक है। और अगर पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो आंख बंद करके आप कह सकते हो 2। कैसे होता है मैंने आपको बता दिया, इसके आसपास कितने पड़ोसी इसको टच कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब यही होता है कि नेबर नंबर, सीधी सी बात करो नेबर नंबर, कितने पड़ोसी हैं उतने कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन वो पड़ोसी टच करते हुए होने चाहिए। देखो ये भी इसको टच कर रहा है, ये भी इसको टच कर रहा है, ये भी क्लोज पैकिंग है, ये भी क्लोज पैकिंग है। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए अब स्टार्ट करते हैं 2D। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब हम क्या लिखते हैं, पढ़ेंगे 2D स्ट्रक्चर। टूडी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा 2D। 2D में हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? देखिए अगर 2D की बात करूं ना, तो ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्क्वायर CP यानी क्लोज पैकिंग, ठीक है। और अगर दूसरे की बात करूं तो हेक्सागोनल CP, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं है ये, क्लोज पैकिंग है ये, क्लोज
पैकिंग, क्लोज पैकिंग। ठीक है, 2D की बात करूं तो ये दो टाइप के होते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल स्क्वायर सॉरी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बात समझ में आ गई। वन बाय वन हम जो मैं आपको हर चीजें बताऊंगी कि वन बाय वन हम इसे कैसे करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको डायग्राम दिखता भी जाएगा स्क्रीन पे। पहले हम कौन सा करेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये 2D की बात है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, चलिए डायग्राम मैं बना भी देती हूँ, क्योंकि 2D तक तो देखिए इजी है, 2D तक इजी है डायग्राम बनाना, लेकिन फिर बाद में दिक्कत आती है, जब 3D होती है तो दिक्कत आती है, तो मैं इसे आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, कैसे कर सकते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखिए ठीक है, ये क्लियर हो गई। ये दूसरी लेयर हो, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया, फिगर किस चीज का है, ये 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग का ये डायग्राम है। अब आप बोलोगे मैंने आपको बताया था कि 2D में कहां पर हो सकता है, एक्स और वाई डायरेक्शन में, ठीक है, हो सकता है एक्स वाई डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन तो कौन सी हो गई एक्स, ये डायरेक्शन कौन सी हो गई वाई, ठीक है। जरूरी नहीं है वाई सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन नहीं हो, माइनस में भी चलते हैं चीजें, लेकिन ठीक है एक्स डायरेक्शन ये रही, वाई डायरेक्शन ये रही, हो गई 2D। अब स्क्वायर है ये, क्योंकि देखिए स्क्वायर की पैटर्न जनरेट कर रहा है ना, अगर आप देखोगे ध्यान से तो स्क्वायर का पैटर्न जनरेट कर रहा है बस, ठीक है, स्क्वायर का पैटर्न जनरेट कर रहा है ना, ठीक है। अब आप देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, ये हमारी 2D में है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, मतलब अगर आपको कोई कहे कि भाई क्लोज पैकिंग करनी है किसमें, 2D में, और किसमें करनी है स्क्वायर में करनी है, तो आप यही पैटर्न जनरेट कर सकते हो, यही सबसे बेटर इफिशियंसी है अगर हम बात करें स्क्वायर की, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में यही एक सबसे अच्छी पैकिंग है। ये तब हम बात करेंगे जब स्क्वायर में ये सबसे अच्छी पैकिंग है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ये डायग्राम तो समझ में आ गया होगा आपको, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कोऑर्डिनेशन में कितना है, इसे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर जानने के लिए मैं कोई भी एक एटम बीच में से ले लेती हूँ, ठीक है, डायग्राम तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं मान लो ये वाला एटम ले लिया, मैंने ये वाला एटम ले लिया, ठीक है। अब इस एटम के आसपास देखो, घूमो, चक्कर लगाओ कि कितने इसके आगे आसपास एटम है जो इसको छू रहे हैं, इसके पड़ोसी हैं, वही क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। तो देखो मैं इधर गई, ये छू रहा है और ये तो छू नहीं रहा, लेकिन ये छू रहा है, इधर गई ये भी छू रहा है, इधर गई ये छू रहा है। इसके अलावा क्या इस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या कोई भी एटम छू रहा है, देख के बताओ फटाफट, देख लिया, कोई भी नहीं छू रहा है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, बात समझ में आ गई। वापिस बता देती हूँ, अगर सपोज तुम इसको नहीं लेना चाहो तो मानो मैं इसको ले लू, ये वाला ले लू चलो, ठीक है, इसके पास ये इसको छूरा, ये छूरा, ये छूरा और ये छूरा, ठीक है, कितना हो गया 1, 2, 3, 4 हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर 4। स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऐसी ही होती है और ये सबसे इफिशियंट होती है, अगर मैं बात करूं स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, मतलब आपको कोई भी कहे कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग करो तो हम इससे बेटर और कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही हमारी
जो होगी कैसे होगा, आपने एक लाइन बना दी एक्स की, दूसरी लाइन वापिस, मतलब इसके अंदर ये सेम टाइप है। मानो कि मैं अगर टाइप ए बोलू ना इसको, ये लाइन अगर टाइप ए बोलू तो दूसरी लाइन भी टाइप ए है, अगर ये वाली बात करूँ तो ये भी टाइप ए है, टाइप ए। ठीक है, हम बात करते हैं ना दो टाइप या तीन टाइप, इसमें ए टाइप ये रहा, फिर ए टाइप, फिर ए टाइप, फिर ए टाइप। इसका मतलब क्या है कि सेम टाइप की, देखो इधर देखो, ए टाइप, ए टाइप, ए टाइप, मतलब सेम टाइप की जो है हमने लाइन बिछाई है। ऐसा नहीं किया कि पहली लाइन अलग है, दूसरी लाइन अलग है, या दूसरी लाइन सेम है, या ऐसा हमने नहीं किया, हमने सारी की सारी लाइनें सेम की है। देखो एक दो तीन चार पाँच छह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, सेम इसके नीचे बिल्कुल सेम सेम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई पहले हमने ए टाइप का कर दिया, फिर बाद में कोई दूसरे टाइप का हमने पैकिंग करी है, हमने सेम टाइप की करी है। सेम देखो सारे आपस में सेम है, ये लाइन इस लाइन के सेम है, ये लाइन इस लाइन के, और ये लाइन इस लाइन के सेम है, बिल्कुल सेम पैकिंग हुई है। तो इस टाइप की पैकिंग को हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और ए ए टाइप, क्या बोल सकते हैं उसको, ए ए टाइप। ठीक है, इसमें टू डी में, टू डी में ए ए टाइप। ठीक है, ए ए टाइप का मतलब कि सारी लाइनें एक ही टाइप की है, ए टाइप की है, मतलब मैंने अगर पर्टिकुलर कोई टाइप दे दिया ना, जैसे मान लो कि मैंने उसका टाइप एक टाइप लाइन का मतलब मैंने नाम दे दिया कि ये ए टाइप लाइन है, मैंने इस वाले ऊपर को बोल दिया कि ये ए टाइप की लाइन है, ये पूरी लाइन कैसी है, ए टाइप की है, नीचे वाली भी ए टाइप की है, ये भी ए टाइप की, ये भी ए टाइप की, कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, ए ए टाइप। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग का अभी डायग्राम भी दिख रहा होगा, आप उससे रिलेट करिए कि कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए 2D आपको सिर्फ मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में आपको जो है पूरा का पूरा आपको इमेजिनेशन पावर यूज करना है। चलो 1D और 2D में तो मैं आपको डायग्राम बता भी दूंगी, लेकिन 3D में तो आपको टोटली दिमाग से ही करना था। ठीक है, देखिए 2D का आप हम चलते हैं सेकेंड टाइप लेकर, क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। किसमें, 2D में, किसमें, 2D में बनाए डायग्राम इसका। चलो ठीक है, ये मैंने बोल दिया ए टाइप की लेयर है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सेम टाइप की लेयर नहीं होगी, इसके अंदर दो टाइप की लेयर होगी, ये मान लो ए टाइप की है, फिर मैंने इसके नीचे उठा दिया, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करते हो, ये हो गया हमारा बी टाइप की लेयर, कुछ अलग है, वापस से ए टाइप की लेयर आ जाएगी। ठीक है, ये वापस से सेम ए टाइप की लेयर आ गई, आ गई। अब दोबारा मैं बना लेती हूँ बी टाइप की लेयर, आई समझ में, ये हो गई बी टाइप की लेयर, यानी पहली लेयर हो गई ए टाइप की, दूसरी लेयर हो गई बी टाइप की, फिर ए टाइप की, और फिर बी टाइप की। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा टाइप है ये, ए बी, ए बी टाइप, कौन सा टाइप है ये, ए बी, ए बी टाइप। ठीक है, और स्क्वायर वाला कौन सा टाइप का था, ए ए ए टाइप, सारी इसके अंदर लाइन सिमिलर थी, एक ऐसी है पहली ए सही है, ए और ये मतलब ये दोनों तो मिली हुई है, फिर ये दोनों एकदम सेम है, ए बी टाइप की, ये कैसी है, क्लोज पैकिंग है, ए बी टाइप। तो चलिए आप देखते हैं हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये फिगर कौन सा है, 2D में हेक्सागोनल स्क्वायर, सॉरी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, अब देखते हैं निकाल के पकड़ लेते हैं कोई भी एक। मैंने ये वाला पकड़ लिया। अब देखो इसके आसपास इसे कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल टच कर रहे हैं, गिनना स्टार्ट करो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बात समझ में आ गई। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताया था, आसपास जो नेबर उसको छूते हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के आसपास जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसे छूते हो वो सारे क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। उनको गिनती जब आप करोगे तो क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। इधर देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो कितने हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, 6। कितने हो गए, 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोई दूसरा ले लो आप। चलो मैं एक काम करती हूँ, ये वाला ले लेती हूँ। तो ये छू रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, वापस 6 ही आ गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितना होता है, 6 होता है। मैं आपको अलग से दिखा भी देती हूँ, ये एक ऐसे बना होता है, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होता है। ये तो बीच का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गया, जो मेन आइटम है जिसकी हमें कंस्टिट्यूएंट, इसका हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है इस वाले का। तो इस वाले को तो हम गिनेंगे नहीं, आसपास वाले को गिनेंगे कौन इसे टच कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर, 6। आई बात समझ में, आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, 3D हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए 3D स्टार्ट करते हैं। एक बार 3D स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 2, क्योंकि वहां पर एक ही डायरेक्शन में बन रहे थे। और 2D के अंदर दो टाइप थे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या था कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितने थे, 4 थे। कितने थे, 4 थे। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, अच्छा स्क्वायर क्लोज पैकिंग में टाइप कौन सा था, AA टाइप। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कैसा है टाइप, AB टाइप। और कितने हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, 6। अच्छा एक चीज और कि इसे हम क्यों बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, कैसे बोला भाई, देखो उसको तो वो तो स्क्वायर पैटर्न जनरेट कर रहा था, लेकिन ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे कहलाया, तो देखो मैं आपको बताती हूँ साफ। अच्छा इधर दिखाती हूँ, ये इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दिख रहा है आपको, इस टाइप से जो है बनाता है। तो ये कौन सी शेप होती है, हेक्सागोनल शेप होती है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल। देखो कितनी इसकी भुजा कितनी है, कितनी इसकी आंद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि ये किसकी शेप दिखा रहा है, आपस में जुड़ के कैसे जुड़ रहा है, हेक्सागोनल के तरीके से जुड़ रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 3D में क्लोज पैकिंग। 3D में क्लोज पैकिंग, 3D क्लोज पैकिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली 3D क्लोज पैकिंग के 3 टाइप होते हैं, 1, 2 और 3। 3 टाइप होते हैं 3D क्लोज पैकिंग के। पहला टाइप जो होता है उसे हम बोलते हैं AA टाइप। थोड़ा बड़ा लिखती हूं ताकि आपको सही से दिखे, AA टाइप, बताऊंगी क्या होता है। दूसरा टाइप होता है AB टाइप। तीसरा टाइप होता है ABC टाइप। ठीक है, अब ये टाइप क्या होते हैं वन बाय वन मैं समझाऊंगी आपको। देखिए अगर मैं बात करूं AA टाइप की, अगर AA टाइप की बात करूं तो मैंने आपको 2D में भी बताया था कि AA टाइप क्या होता है। मतलब कि सपोज टू बी एक बॉक्स है, मैं मान लेती हूँ एक बॉक्स का सरफेस ये मेरा हाथ है। ठीक है, इस पर मैंने एक लेयर बिछा दी, किसकी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। सेम टू सेम वही लेयर इसके ऊपर बिछा दी, ठीक है, और सेम टू सेम वापिस वही लेयर उसके आगे बिछा दी। तो पूरे बॉक्स में मैंने सेम टाइप की जो है लेयर बिछाई हुई है, तो ये क्या होगी, और वो लेयर किस चीज की है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, तो उसे हम क्या बोलेंगे, AA टाइप। मतलब हर लेयर जो है एक टाइप की है, हर लेयर एक ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के टाइप की है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे उसे, AA टाइप। मतलब पहली लेयर भी A टाइप, दूसरी लेयर भी A टाइप, तीसरी लेयर भी, और जितनी भी आगे लेयर होंगी
वो सारी की सारी ए टाइप की होगी, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ए ए टाइप। और इसे हम ये भी बोल सकते हैं 3D स्क्वायर पैकिंग, 3D स्क्वायर पैकिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो 3D कैसे, मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगी, स्क्रीन पे भी आपको डायग्राम दिखेगा। देखो 3D कैसे कि हमने एक सरफेस है, सरफेस पर एक लेयर बिछाई, ठीक है, एक लेयर बिछा दी, उसके ऊपर दूसरी लेयर बिछा दी, तीसरी लेयर बिछाई, और वो सारी लेयर सेम टाइप की है, सेम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की है सारी लेयर। तो वो अपने आप में जब हम बॉक्स भरेंगे ना पूरा, वो अपने आप में 3D हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी क्या पैकिंग होगी, स्क्वायर पैकिंग। वो किस तरीके से लगेगा, स्क्वायर के जैसा। मैं अब आपको क्या करती हूँ, स्पेशली इसको इसको और इसको अलग से समझाऊंगी, तो हम वन बाय वन सबको लेते हैं और समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सारे टॉपिक को लेना। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला टाइप, ए टाइप, जिसको हम क्या बोलते हैं, 3D स्क्वायर पैकिंग। आपने 2D स्क्वायर पैकिंग भी पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया था पिछले मैंने आपको बताया था 2D स्क्वायर पैकिंग में क्या होता है। जैसा 2D होता है ना, वैसा ही 3D होता है, बस अंतर पता है क्या होता है। 2D में तो हम X और Y डायरेक्शन में कर रहे थे, और 3D में हम एक एक्स्ट्रा जो एक्सिस होती है Z डायरेक्शन, उसमें भी करते हैं। मैं अब आपको समझाऊंगी कैसे। पहले बनाते हैं हम, पहले हम बना लेंगे सिंपल सा 2D स्क्वायर पैकिंग, उसके बाद मैं बताऊंगी कि 3D कैसे बनेगा, ठीक है। ठीक है, यह एक्स डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। एक लेयर और बना लेते हैं, आई बात समझ में। तो देखो ये डायरेक्शन कौन सा हुआ, एक्स एक्सिस का, ये डायरेक्शन कौन सा हुआ, वाई एक्सिस का। तो ये तो क्या हुई, 2D स्क्वायर पैकिंग। अब हमें क्या करनी है, 3D स्क्वायर पैकिंग। तो 3D स्क्वायर पैकिंग कैसे करेंगे, सिर्फ आपको इतना करना है कि आप Z एक्सिस पे भी आपको क्या करना है, पैकिंग करनी है। मतलब आपके साइड, देखो X एक्सिस हो गया, Y एक्सिस हो गया, अब ये आपके साइड, मतलब इस साइड। अब देखो क्या करना है, सपोज करो आपके पास मिठाई का डब्बा है, और वो मिठाई के डब्बे की चौड़ाई इतनी है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, लड्डू जो होते हैं मिठाई के, वो आपको अरेंज करने हैं। जब आप उसे पूरा भर लोगे ना, तो वो पैकिंग क्या हो जाएगी, 3D स्क्वायर पैकिंग। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि उस पैकिंग को हम क्या बोलेंगे, 3D स्क्वायर पैकिंग, ठीक है। तो इधर मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रही हूँ। अब मैं Z एक्सिस पर जो है पैकिंग करूंगी, छोटी छोटी, ये मैंने छोटे छोटे बनाए हैं, ये आप मान लीजिए कि ये Z एक्सिस पर है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास जो बोर्ड है वो 2D बोर्ड है, तो इसलिए 3D को आप बस एक बार थोड़ा सा अज्यूम करो कि ये जो हमने बनाए हैं, ये इसके ऊपर हमने बनाए हैं, ठीक है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये इसके ऊपर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा Z एक्सिस का, आपकी तरफ Z एक्सिस का, पता है ना कैसे होता है, X एक्सिस ऐसे, Y एक्सिस या तो ऊपर या फिर नीचे, Y एक्सिस और Z एक्सिस आपकी तरफ, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो मैंने छोटे छोटे बनाए हैं, ये Z एक्सिस की तरफ दिखाने के लिए बनाया है। ऐसी सेम लेयर तो नीचे होगी, ये मान लो अगर सपोज टू भी बीच की लेयर है ना, तो ऐसी ही लेयर तो नीचे होगी, ऐसी ही लेयर ऊपर होगी, और पता नहीं कितनी सारी वो लेयर होगी, जितना कि वो क्रिस्टल सिस्टम होगा, उसको पूरा हमें फिल करना है, और वो कैसा हो जाएगा, 3D। आप ऐसे समझ सकते हो कि जो चौक का बॉक्स होता है ना, वो एक क्रिस्टल सिस्टम है, उसके अंदर हम जो है चौक अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। वो चौक सारी सारी कैसा पैटर्न बनाएंगी, 3D स्क्वायर पैकिंग, ठीक है। तो आई होप आपको AA टाइप का 3D स्क्वायर पैकिंग समझ में आया हो। अब आप समझिए, अब हम निकालेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम इसका निकालेंगे क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था मैंने आपको क्या होता है, कि पर्टिकुलर एटम के
ऐसे आसपास कितने एटम्स हैं जो उसको छू रहे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, पता लगाए? तो देखो आप ये मान के चलो कि ये बीच की कोई लेयर है, ठीक है। मैं मानती हूं कि मैं इस एटम का निकाल रही हूं, ठीक है, मैं इस एटम का निकाल रही हूं। तो पहले तो देखो कौन से एटम जो आपको दिख रहा है, पहले तो वो देखो, एक दो तीन चार यही छू रहे हैं इसको, ठीक है, चार तो ये हो गए। प्लस अब इसके नीचे भी एक एटम इसको छू रहा होगा और इसके ऊपर भी एक एटम इसको छू रहा होगा, तो टोटल कितने हो गए, दो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, छह। अब आप ये मत सोचने लगना कि मैम देखो ये पास में जो छोटे छोटे आपने बनाए हैं ना इनको भी गिनो, भाई ये टच थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो जो इनके जो बड़े बड़े हैं ना ये वाला जो पड़ोसी है वो जस्ट इसके नीचे है या फिर जिसके ऊपर है, तो इसको थोड़ी ना टच कर रहा है, इसको तो सिर्फ ये वाला एक दो तीन चार और एक इस एटम के नीचे वाला एटम और एक इस एटम के ऊपर वाला एटम इसको टच करेगा, तो टोटल छह होंगे। समझ में आया कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे सिक्स होगा? कोई प्रॉब्लम आए तो दोबारा आप रिवाइज कर लेना इसको, दोबारा वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। तो ये सारी चीजें जो है ए ए टाइप की है, ये सबसे इजी टाइप था। अब जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से और दिमाग लगाना है और अच्छी तरीके से अजम्पशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा टाइप। दूसरा मैं आपको दूसरा और तीसरा टाइप साथ में ही सिखाऊंगी। तो देखिए दूसरा टाइप जो है वो कौन सा टाइप है, ए बी ए बी ए बी टाइप, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, 3D हेक्सागोनल पैकिंग। हमने 2D हेक्सागोनल पैकिंग देखी है ना, वैसे ही कैसे होती है 3D हेक्सागोनल पैकिंग। बस आपको क्या कर रहा है, इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिकी मामला है, ठीक है। अब जैसा मैं बताती जाऊं वैसे सुनते जाना। इसके अंदर क्या होगा, पहली लेयर जो ए होगी ना वो कैसी पैकिंग होगी, ए की कैसी पैकिंग होगी मैं लिख देती हूँ। ए की पैकिंग होगी 2D हेक्सागोनल, 2D हेक्सागोनल। सबसे पहले हम ए का बना रहे हैं, 2D हेक्सागोनल बना रहे थे, अपन को तो पता है 2D हेक्सागोनल क्या होता है, अपन ने बनाया है, ठीक है। तो ए की पैकिंग कैसी होगी, 2D हेक्सागोनल। बी की कैसी होगी मैं आपको बताऊंगी, पर पहले आप ए की देखो। ए की पैकिंग क्या है, 2D हेक्सागोनल, मतलब कोई भी एक चौक का बॉक्स है उसमें जो पहली लेयर है वो कैसी होगी, ए की। और ए की कैसी लेयर होगी, 2D हेक्सागोनल। तो अपन स्टार्ट करते हैं 2D हेक्सागोनल बनाना। मैं थोड़ा दूर दूर बनाऊंगी ताकि आपको इजीली समझ में आए। होते तो ये पास पास है लेकिन मैं दूर दूर किसी कारण से बना रही हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब हेक्सागोनल में क्या होता है, इनके बीच से बनता है, पता है ना, हेक्सागोनल ऐसे ही बनता है, फिर वापस इसके ठीक नीचे, थोड़ा छोटा बन रहा है, फिर वापस इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, ठीक है। आई बात समझ में? अब आप देखो ये हो गई पूरी की पूरी कैसी पैकिंग हो गई, ए टाइप की हो गई, ये पूरी की पूरी ए टाइप की हो गई। आप ये मानो कि किसी चौक के बॉक्स में आपने एक लेयर ऐसे बिछा दी और ये कैसी टाइप की है, हेक्सागोनल, ठीक है। देखो दिख रहा है ना इधर से, हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल पैकिंग है ये, ए टाइप की होगी। अब आपको मैं एक चीज, ये आप साइड में रखो, एक चीज मैं आपको समझाती हूँ। देखो ये सर्किल है, ये एटम है, ये एटम है और ये एटम है, इसमें बीच में कुछ जगह है, क्योंकि आप ये अभी मैं आपको दिखाने के लिए आपको ऐसा बना रही हूं लेकिन रियलिटी में ये कैसा है, इधर देखो, रियलिटी में ये ऐसा है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा इधर कोने में, देखो साइड में इसके बीच में कोई जगह दिख रही है क्या, बीच में कोई जगह दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल, क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है, खाली जगह, तीन एटम से मिलकर बन रहा है कोई खाली जगह, खाली जगह बन रही है भाई। अगर आप तीन बॉल को आपस में मिलाओगे तो बीच में कोई खाली जगह है और वो क्योंकि तीन बॉल से या तीन एटम से मिलकर बनी है वो खाली जगह, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल वॉइड। बात समझ में आ गई, ये बात का ध्यान रखो। अब अगर
इस खाली जगह में से अगर सपोज करो ये लेयर जो है बीच की लेयर होती, देखो नीचे भी लेयर होगी ऊपर भी होगी हर जगह लेयर होगी क्योंकि ये 3D है। सपोज करो अगर ये लेयर बीच की लेयर होती तो इस खाली जगह के नीचे भी आपको अगर आप जब इसकी खाली जगह से आप देखते हो ऊपर से तो आपको नीचे किसी दूसरे एटम का सिर दिखता दिखता सिर, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, उस दूसरे एटम का क्या दिखता, सिर दिखता, यानी ये दिखता आपको, इसके ऊपर हमने सिर बिठा दिया ये रहा। और इसे हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। इसे हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब चार एटम से मिलकर बनी हुई जगह। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये तो क्या, यहां बीच बीच में मैंने क्या लगा दिया है, ट्राइगोनल वॉइड्स, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स, वॉइड इनके बीच में भी वॉइड बन रहा है, टीटी लगा दिया मैंने, टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है इसमें। ठीक है, बन गया। अब आपको क्या करना है, जो आपको वॉइड दिख रहा है ना, जो आपको वॉइड दिख रहा है, देखो इस वॉइड के नीचे भी आपको कुछ दिख रहा होगा, देखो नीचे दिख रहा है ना, नीचे नीचे वाला आइटम मैंने ऊपर बना दिया, नीचे आपको जो आइटम दिख रहा है वो क्या होगा, उससे मिलकर क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा टेट्राहेड्रल। और जो नीचे आपको दिख रहा है, ठीक है, नीचे जो दिख रहा है उसके ऊपर आपने रख दिया, नीचे जो दिख रहा है उसके ऊपर आपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रख दिया, नीचे जो दिख रहा है एटम उसके ऊपर दोबारा आपने क्या किया, उस वॉइड के ऊपर एटम रख दिया। इसको हम क्या बोलेंगे, या इसको हम क्या बोलेंगे, बी टाइप की ऊपर लेयर। क्या आ गई, बी टाइप की लेयर। मतलब बी में कौन सी लेयर आएगी, टेट्राहेड्रल। क्या आएगी, टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब बी क्या कवर करेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। बात समझ में आई, जैसे कि ये यहां पर भी मैंने कर दिया, आपको स्क्रीन पर भी डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड। बात समझ में आ गई, हुआ सिर्फ इतना है, आपको मैं समझा देती हूं, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। तीन बॉल ले ली, तीन बॉल को जब आप जोड़ोगे तो बीच में छेद दिखेगा, बीच में दिखेगी खाली जगह। और सपोज करो तीन बॉल नीचे है, तीन बॉल ऊपर है, और आपको नीचे से खाली जगह जो दिखी, सपोज करो तीन बॉल है इधर, खाली जगह आपके नीचे एक और बॉल है, ठीक है, उस खाली जगह के नीचे एक बॉल यहाँ, आपने जो अभी ऊपर जगह है ना उसके ऊपर एक बॉल रख दी, वो सिचुएशन किसकी होगी, बी टाइप की। बात समझ में आई, डायग्राम है आप उससे समझ लीजिएगा, वो सिचुएशन कैसी होगी, बी टाइप की, वो सिचुएशन कैसी होगी, बी टाइप की, ठीक है। तो आई होप आपको ए बी टाइप समझ में आ गया होगा। अब यही डायग्राम हमारे काम आएगा किस चीज के, थर्ड टाइप के, एसी एबीसी टाइप के। मैं सिर्फ इसका नाम मिटा रही हूं, थर्ड टाइप किस चीज के काम आएगा हमारे, एबीसी के। कोऑर्डिनेशन नंबर हम दोनों के एक साथ निकालेंगे, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप दोनों के हम कोऑर्डिनेशन नंबर एक साथ निकालेंगे। तो देखो थर्ड टाइप क्या हुआ, एबीसी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं और एफसीसी भी बोलते हैं, मतलब फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। ठीक है, ये रहा। इसमें ए तो कैसे टाइप का होगा, 2D हेक्सागोनल। बी का आपको पता ही है, सेम यही, ए बी तो एकदम सेम होंगे, कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। और जो सी टाइप होगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, देखो टेट्राहेड्रल मैंने आपको बता दिया, ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है कि तीन बॉल नीचे तीन बॉल ऊपर, ये जो अरेंजमेंट होता है उसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। देखो कैसे, मैं आपको समझाती हूं, तीन बॉल रख दी, ठीक है, अब ये छह बॉल का अरेंजमेंट हो गया। अब आपको नीचे कोई कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल है।
और जो सी टाइप होगा, सी टाइप की लेयर कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल। अब आपको क्या करना है, सेम यही डायग्राम चलेगा, सेम सब कुछ ना आपका एबी एबी टाइप का होगा, अब सी आपको डालना है बस ऊपर। तो सी कौन सा होगा? ठीक है, ये है यहां पर टेट्राहेड्रल, 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 इधर टेट्राहेड्रल, इधर भी टेट्राहेड्रल, इधर टेट्राहेड्रल, इधर भी टेट्राहेड्रल और इधर भी टेट्राहेड्रल, इधर टेट्रा, इधर टेट्रा, इधर टेट्रा, इधर टेट्रा, इधर टेट्रा, फिर इधर भी टेट्रा। ठीक है, ये था। अब हमने यहां पर बिछा दिया, ठीक है, इधर भी बिछा दिया, इधर भी बिछा दिया। तो आप देखो, मैं सिर्फ आपको एक ही पैटर्न लेके बता रही हूँ, एक दो तीन। ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या सिचुएशन है, एक दो तीन चार पांच छह, यहां पर हमने क्या बिछा दिया, ओ। इसके ऊपर हमने जो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इसके ऊपर हमने क्या बिछा दिया, एक एटम। अब देखो वो एटम कैसे बिछेगा, ऐसे, समझ में आई आपको? और ये जो पैटर्न है वो सी टाइप है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक ही बता रही हूँ, बाकी दूसरा नहीं बता रही हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो छह टाइप का जो है वो छह टाइप के जो एटम से मिलकर बना हुआ है, और उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। और उस ऑक्टाहेड्रल के वॉइड पे, खाली जगह पर आपने ऊपर क्या कर दिया है ना, दूसरा एटम रख दिया, उसे हम क्या बोलेंगे, सी टाइप की पैकिंग, ठीक है। ए टाइप की पैकिंग समझ में आ गई, बी टाइप की समझ में आ गई, ए और बी जो था वो सेम था आपका सेकेंड टाइप की तरह, ए बी टाइप की तरह। सी में सिर्फ इतना अंतर है कि जो ये छह बने हैं एटम्स, उसके ऊपर आपने रख दिया एक और एटम, वो सी टाइप का हो गया। नीचे तो देखो, सबसे पहले नीचे तो कैसी पैकिंग हुई, 2D हेक्सागोनल की, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। बी में कौन सी पैकिंग हुई कि आपने क्या किया, हेक्सागोनल के नीचे भी कुछ दिख रहा होगा भाई, तीन जब एटम आएंगे बीच में छेद है तो नीचे कुछ होगा एटम का सीधा, उसके ऊपर आपने एक बॉल रख दी या एटम रख दिया, वो हो गया बी का, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड में आपने भर दिया। सी कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलांक, ऑक्टाहेड्रल, और टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलांक, ठीक है ना। तो ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या हुआ, जब ये आपस में मिलकर छह एटम आसपास आ गए, तो उसके ऊपर जो जगह बची उसमें हमने सी टाइप का एटम रख दिया, मतलब एक नॉर्मल एटम रख दिया, उसे हमने क्या कहा, सी टाइप का एटम। तो ऐसे कर तीन लेयर होगी, नीचे आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, नीचे ए की लेयर, फिर बी की लेयर, फिर सी की लेयर, ठीक है ना। तो ए में तो सिंपल हेक्सागोनल 2D, सी में आपका टेट्राहेड्रल का छुप जाएगा जगह, और सॉरी बी में, और सी में आपकी कौन सी जगह छूटेगी, जो कि ऑक्टाहेड्रल की होगी। तो आई होप आपको समझ में आया हो, आपको डायग्राम ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है स्क्रीन पर, तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में 12 ही होगा, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 ही होगा। चलो मैं पहले एबी एबी टाइप का बताती हूँ, आप एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के रखिए, उसमें देखकर बताइए कि कितना हो सकता है, उससे आपको इजीली समझ में आएगा। तो अगर बात करें तो दोनों टाइप की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, दोनों टाइप का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर टाइप एबीएबी और टाइप एबीसी, एबीसी का कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 12। वो क्यों होता है आपको एनसीईआरटी की बुक में देखना है और तब आप समझ पाओगे। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि ये एबीसी एबीसी टाइप का है। तो देखो छह एटम तो इसके आसपास हैं जो छू रहे हैं इसको, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है, छह तो इसको छू रहे हैं, तीन इसको ऊपर छुएंगे, तीन इसको नीचे छुएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 12। समझ में आ गया आपको एबीसी एबीसी टाइप का। और ऐसे ही मैं बात करूं अगर सिर्फ इसकी, किसकी, टी टाइप की, सिर्फ किसकी, टी टाइप की, टी टाइप की बात करूं तो तीन इसको इधर छू रहे हैं, ठीक है, और तीन ही इसको इधर से छुएंगे, मतलब टोटल 12 इसको आसपास छुएंगे। तो इस कंडीशन में दोनों एटम्स की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हो जाएगा 12। तो आप एक बार दोबारा एनसीईआरटी से मैच करिएगा, दोबारा एनसीईआरटी की आप जो है उसके अंदर जो बुक होगी, बुक में जो इसका डायग्राम है उससे आपको और समझ में आएगा, क्योंकि ये 2D है, 2D में हो सकता है थोड़ी आपको प्रॉब्लम आए, आप बुक में देखिएगा, बुक से मिलान करिएगा डायग्राम का, तब आप आराम से समझ पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच आज के लिए।